सैनिकों का समूह आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहा है, जोरदार करता ध्वनि के बीच में। इसमें टीम के कमांडर हवलदार मेहताब, एलडी जसबीर सिंह, एएलडी कुंदन, सिपाही प्रदीप, सिपाही सोनू, सीएफएन जसवंत और कुलवंत सिंह के साथ उनके सोनू, रिंकी यादव, मनोज सिंह। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को। की बेला आई है, उमर रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। नवयुग की बेला आई है, उमर रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। गीत प्रभाती के गा कर माँ तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बनना है युग का ऐसा पाठ पढ़ाती है। मीठे सपने छोड़ थाम लो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, दौर नए अभियानों की। जानो फिर अपने को पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। वीर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनसुईया दुर्गा की परंपरा अकुलाती है। ले संकल्प पूर्ति करनी है, ले संकल्प पूर्ति करनी है उन सबके अरमानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को। बलिदानी मिट्टी ने तुमको भर कर आँख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है।
रानी मिट्टी ने तुमको भर कर आँख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। तुम में साहस हो कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ, मातृभूमि की गरिमा लेकर भूमंडल पर छा जाओ। तुम हो उनके अंश के जिनने, तुम हो उनके अंश के जिनने गति मोड़ी तूफानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हस हस कर बलिदानों की। इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे हम भाई लोकेंद्र जी को। जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। रे मन को रे मन को हर्षित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में रे मन को हर्षित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। देश की माटी सोना है, पानी है गंगा जल जैसा, पानी है गंगा जल जैसा, पानी है गंगा जल जैसा। हो इस देश की माटी सोना है, पानी है गंगा जल जैसा, पानी है गंगा जल जैसा, पानी है गंगा जल जैसा। वेदों की ज्योति निराली है, जीवन है सूरज के जैसा, जीवन है सूरज के जैसा, जीवन है सूरज के जैसा। सोना है, पानी है गंगा जल जैसा, वेदों की ज्योति निराली है, जीवन है सूरज के जैसा। ईश्वर की ईश्वर की ईश्वर की भक्ति करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में ईश्वर की भक्ति करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। मन को रे मन को हर्षित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में, जननी तेरे चरणों में, चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में। इसी क्रम में हमारे आचार्य कुलम के नन्हे मुन्ने बालक वर्ग, आचार्य कुलम के बालक वर्ग के विद्यार्थी आएंगे अपनी प्रस्तुति लेकर के। स्वाभिमान के नारों से टकराएगी ये आवाज देश के पहरे तारों से। वंदे मातरम,
है आओ रे, भ्रष्टाचार मिटाने को अब साथ खड़े हो जाओ रे, पूर्ण आजादी नई व्यवस्था नया परिवर्तन लाओ रे, जे पूरा देश हमारा स्वदेशी के नारों से टकराएगी ये आवाज देश के पहरेदारों से। और ये आचार्य कुलम के इन विद्यार्थियों के लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि। पूरे देश भर में यह योग की, स्वदेशी की, आयुर्वेद की महाक्रांति के बाद शिक्षा की महाक्रांति अग्रसर हो रही है, उसी क्रम में आचार्य कुलम के विद्यार्थी आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं आशीर्वाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भाई कैप्टन गौरवजीत जी को, जिन्होंने इस सारे योग प्रशिक्षण शिविर के जो सूत्रधार हैं, सेना में योग जुड़े इसको लेकर पिछले 2 वर्षों से कार्यरत हैं, आएंगे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। इनको जवानों को और हमारे इनको भाई कर्नल आशीष जी से लेकर के सबके लिए हमने सोचा कि हम इनको अभी जाते समय कुछ गिफ्ट दें। आज हमने आपको कहा था ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी को स्वीकार करना अपनाना है, तो आपको च्यवनप्राश वो भी केसर वाला, कश्मीरी देसी केसर वाला तो च्यवनप्राश और हल्दी चंदन का साबुन और विदेशी टूथपेस्ट कोलगेट पेप्सोडेंट क्लोजअप का बाप दंतकांति और बिस्किट आप लोग अभी तक मैदा वाला खाते थे, ये गाय के दूध से बना हुआ, आटे से बना हुआ, जो अब तक बिस्किट खाए हैं उनसे पेट खराब होगा और इससे पेट अच्छा हो जाएगा, ये बिस्किट भी दे रहे हैं और नूडल भी दे रहे हैं। नूडल अभी तक विदेशी कंपनियों के खाते थे, हमने नूडल का भी स्वदेशीकरण भारतीयकरण कर दिया है, ये आपको मिल रहा है। तो ये पहले गौरव जी को ही देते हैं, गौरव बहुत बड़े गौरव हैं हमारे, एक बार जोरदार ताली हो जाए गौरव जी के लिए। आपके लिए प्रसाद भी है। आदरणीय भाई आशीष दत्ता जी के बड़े भाई श्री नदीश दत्ता जी भी को मैं आमंत्रित करूंगा, आशीर्वाद लेंगे स्वामी जी महाराज से। बहन दीपिका दत्ता जी स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप नवलगुंड जी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप नवलगुंड जी ये यूएसए में रहते हैं, इन्होंने योग करके अपना 20 पाउंड वजन भी कम कर लिया, इसके लिए वे आशीर्वाद, बड़े स्मार्ट हो गए हैं, पहले ऐसे थे। बहुत आशीर्वाद है ना आपको भी, आपकी पति। बहन दीपिका जी आशीर्वाद ले रही हैं। भाई प्रदीप नवलगुंड जी कर्नाटक से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और रुड़की से जो आज प्रभारी अधिकारी के रूप में हमारे मध्य में कर्नल आशीष दत्ता जी, श्रद्धेय स्वामी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये गिफ्ट आप सबको मिलेगी, बड़ों अधिकारियों को नहीं, सब सैनिकों को मिलेगी। और अब आप सबके मध्य मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे योद्धा को जो बेशक वर्दी ना पहनते हों लेकिन जिनका संपूर्ण जीवन एक संघर्ष की इबारत लिखता हो, जिन्होंने अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई हो और व्यवस्थाएं परिवर्तन किया हो, ऐसे आग निकालने वाले, आग को गाने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व
कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर वो आग अब जलनी चाहिए। ऐसा ही संदेश इस पूरे देश को, इस पूरे राष्ट्र को देने वाले और विश्व पटल पर योग को प्रचारित प्रसारित करने वाले तपोमूर्ति संत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं। अब मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि आप सब भी करतल ध्वनियों के साथ आभार करें, स्वागत करें योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का और आशीर्वाद दें। सेना हमारे देश का स्वाभिमान है, गौरव है और हमें कहते हुए ये फक्र है कि पूरी दुनिया की सबसे बहादुर कोई भी ये सेना है तो वो हमारी भारत की सेना है, वो हमारा स्वाभिमान। पूरी दुनिया के सेनापति इस बात को कहते हैं कि हमें भारत जैसी सेना मिल जाए तो हम पूरी दुनिया को जीत लें, और ये सच है कि हमने पूरी दुनिया में कोई खून खराबा नहीं किया, लेकिन जिसने हमारे स्वाभिमान पर चोट की, जिसने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया, हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता और संप्रभुता को खंडित करने का प्रयास किया, तो हमारी सेनाओं ने कम संसाधन होते हुए भी अपने शौर्य और पराक्रम से एक इतिहास सृजित किया है। और अब हमारे सैनिक, जितने भी सैनिक भाई हैं, ये योद्धा होने के साथ अब योगी होकर के जा रहे हैं, अब तो एक और नया इतिहास आप घड़ने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। अभी तो यहां 256 हमारे जवान आए हैं अलग अलग बटालियन से, आगे हमारे सैनिकों के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, जो एक आगे सिलसिला शुरू होगा। अब पूरे हिंदुस्तान की सेना योग करेगी और वो योगी योद्धा बन करके इस देश का गौरव और स्वाभिमान बढ़ाती रहेगी। ये एक शुरुआत हुई है, गणतंत्र दिवस पर आज इसका समापन है। हमारे सेना के सभी आदरणीय श्री गौरव जी से लेकर के दत्ता जी से लेकर के सारे वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, कुछ अधिकारियों को औरों को भी आना था, लेकिन आज गणतंत्र दिवस की वजह से दूसरी व्यवस्थाएं चल रही थी, उसके बावजूद भी यह तो एकमात्र औपचारिक आरंभ भर है, अभी तो सफर बहुत लंबा है। हम निरंतर इसी तरह से अपने सैनिकों को योग सिखाते रहेंगे और उनके भीतर योग शक्ति और राष्ट्रभक्ति के जज्बे को और जगाते रहेंगे। ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और हम सब मिल करके योग से और अधिक निरोगी बन करके, उपयोगी बन करके, अपने भीतर की शक्तियों को जगा करके, अपने आप को मानव से महामानव बनाने का पुरुषार्थ करते हुए, अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से जागृत करते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आपके प्रदर्शन की यद्यपि कोई पहले से तैयारी नहीं की गई थी, लेकिन 80-90% हमारे जवान शीर्षासन से लेकर के सामान्य आसनों से लेकर का कठिन आसन करना भी सीख गए। इन सबका 15 दिनों के इन अभ्यासों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। 15 दिनों के अल्प काल खंड के इस अभ्यास में भी आपने बहुत कुछ हासिल किया है, खाली आसन प्राणायाम ही नहीं, व्यायाम ही नहीं, आपने योग की गूढ़ताओं को समझा है। योग को रहस्यमय माना जाता था, ये तो रहस्यमयी विद्या है, लेकिन वो सारे रहस्य के पर्दे यहां पर उठे। आपने बहुत प्रामाणिकता के साथ योग सीखा है और मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी बटालियन में जाकर के अपने सारे दूसरे सैनिक भाइयों को और अपने सेना के सभी अधिकारियों को भी पूरा योग सिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आप यहां से प्रस्थान करेंगे। ये बच्चे जो अभी सुबह वैदिक गुरुकुलम के, अभी आचार्य कुलम के बच्चे कर रहे थे, अभी आचार्य कुलम की जो बेटियां हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुति देंगी। ये ठीक है, ये कठिन आसन है, लेकिन सरल आसन तो आप सभी कर ही सकते हैं, और जो आपने सीखा है योग का शारीरिक पक्ष, उसका भावनात्मक आध्यात्मिक पक्ष, और उसको अनुभव किया है, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, उसको जीना, यही किसी ज्ञान की, किसी दीक्षा की पूरी सार्थकता होती है। तो आप सब ने यहां पर योग को जाना भी है, योग को जिया भी है, और अपने जीवन को संवारने की दिशा में
आपने पूरा पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। अभी भाई बता रहे थे वो 91 किलो के थे, अब वो जब उनको देख रहा था लग ही नहीं रहा था कि 80 किलो से ज्यादा इसका वजन होगा, 10-11 किलो तो वजन भी घटा लिया है किसी किसी ने जो ठाड़े तगड़े थे। फिजिकल फिटनेस से लेकर के तनाव मुक्ति से लेकर के जिंदगी के हर पहलुओं को संवारने का आपने यहाँ पर पुरुषार्थ किया है, और मैंने कहा ये तो अभी प्रारंभ मात्र है, अभी तो बहुत बड़ा कीर्तिमान आपको बनाना है, जीवन की इस यात्रा का बहुत बड़ा शिखर आरोहण करना विशेष है। अतीत का गौरव अपने हृदय में संजो के वर्तमान में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए, अभी भाई गौरव जी कह रहे थे स्वामी जी कि जीवन के सूत्र हैं विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ हम आगे बढ़ें। अतीत का गौरव, वर्तमान का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और स्वर्णिम भविष्य का सपना अपने हृदय में संजो के आप आगे बढ़ेंगे, भारत आगे बढ़ेगा। हमारी आंखों के सामने हम अपने हाथों से वो परम वैभवशाली भारत बनाएंगे जिसके सपने देखे थे हमारे शहीदों ने, उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को, उनके शौर्य को, पराक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनाएंगे।